अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपको दिखाएंगे नया व्लॉग। ये एक नई चीज़ है जो आपको दिखा रहे हैं हम, आप देख सकते हो। अब हमने इसके अंदर दो उंगलियाँ डाली है, अब हम इसको यूज़ करेंगे, दिखाएंगे आपको कि ये कैसे खेत के अंदर यूज़ होती है। इस तरह से दोनों हाथों में पकड़ी जाती है, फिर इसको पीछे से यहाँ फायर करते हैं। ये अब चला गया, पता नहीं कहाँ गया इसका बारूद और इसका पत्थर, पता नहीं कहाँ गया, मुझे भी मालूम नहीं हुआ। लेकिन मैंने इसके अंदर डाला और डाल के फिर इसको यहाँ पे छोड़ दिया, पता नहीं ये किधर गया। आज हम देखते हैं कि ये मेरा कज़न मकबूल अमन क्या कर रहे हैं, इनसे आज पूछेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मकबूल अमन। क्या हाल है? खैरियत है? शुक्र तुम। हाथ तो मिला है यार, हाथ तो मिला है। ये क्या कर रहे हो आप? यार इधर दोही कुकर की कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, इनके अंदर फसल के अंदर थोड़ा गवार, गवार के अंदर मरज है या तिल के अंदर मरज है? तिल। अच्छा, इसके लिए ये दुआ कर रहे हो? हाँ, इसके लिए दुआ कर रहे हैं। इसके अंदर क्या डाला है? क्या हाँ। क्या डाला है इसके अंदर? वो ऊंट नहीं है? हाँ, ऊंट की हड्डियाँ। हाँ, ऊंट की हड्डियाँ डाली। अच्छा, ये अच्छा किया है, ऊंट की हड्डियाँ इसके अंदर डाली जाती है कि मरज, हाँ, मरज खत्म हो जाता है। ये जो हड्डियाँ है ये इसके अंदर डाली जाती है कि ताकि ये मरज ख़त्म हो जाए, गवार के अंदर हो चाहे तिल के अंदर हो, जो भी चीज़ हो इसके अंदर ये डाली जाती है कि ये मरज ख़त्म हो जाता है इस धुआँ की वजह से। आप देख सकते हो, और ये धुआँ कर रहा है मेरा कज़न मकबूल अमन इस गवार में। इसको और तेज करना यार मकबूल, इसको और तेज कर। हाँ, तेज कर, तेज कर, इस धुएं को तेज कर रहा है इस गवार के लिए, क्योंकि इसके अंदर कोई मरज है। ये तिल है, कहा जाता है कि तिलों के भी अंदर मरज है और गवार के भी अंदर मरज है, लेकिन मुझे तो देखने में नहीं आता है। जो ऊपर वाला करेगा वही होगा, लेकिन ये इसके अंदर कुछ दिखाया जाता है, बोलते हैं कि ये मरज है तिल के अंदर। आप देख सकते हो, लेकिन मकबूल अमन बहुत मेहनत कर रहा है इस धुएं को तेज करने में। हम आपको दिखा सकते हैं, ये धुआं हो रहा है। अच्छा ठीक है मकबूल अमन, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। ठीक है भाई, तो ये हमारी बाजरी के अंदर भी सला हुआ है, विक्ट्री का निशान दिखा रहा है, आप देख सकते हो बिल्कुल। ये इसको आप देख सकते हो, ये बिल्कुल विक्ट्री का निशान दिखा रहा है हमें। ये एक सिला है बाजरी का, इस बाजरी के अंदर विक्ट्री के निशान जैसा सिला बन गया है, आप देख सकते हो। मैं समझता हूँ कि ये मेरी कामयाबी का राज है। आप देख सकते हो ये विक्ट्री का निशान, देखो ये कुदरत का बनाया हुआ है, मैंने इसको नहीं बनाया है, ये कुदरत का बनाया हुआ है विक्ट्री का निशान। वी, इंग्लिश में वी बोलते हैं इसको, ये विक्ट्री का निशान है। ये बिल्कुल एक अजीब सी चीज़ है, मुझे देखने में आई है मेरी बाजरी के अंदर। आप देख सकते हो ये मेरी बाजरी है, इस बाजरी के अंदर एक विक्ट्री का निशान मुझे नज़र आया है, मैंने इसको
फतेह समझाए कि मेरी कामयाबी है। या अल्लाह तेरे लाख शुक्र। खुशी खैर छाला खुशी खैर दौर हां खैर लोग अमन हार सुनाए नहीं दादी इने जान जी हां असी त भाई वण भज विजू छा ख्याल आ अया बाजरी ठाव की को हां सोमर ते इरादो में क्यों हो सोमर हां सोमर दे कुछ मरे भन जाने छदे पर अया अच्छा उने इलाय तो खा सा रोक्यो इनी गाल ला असा चो पूछूस वाला मने कच्ची आ तपो अन्या सोमर छडिया या वेजा सोमर संग पकोन हां एक उंदी होदी को ना दूडी अच्छा हां कलर तब्दील कोन कंदो जो कलर छ जे अच्छो जो को आई हन कारे मंजा थी हां ये अच्छो संग बिठो ने मा कारो थी वने वो थी पच्ची हो पर हेड़ो ने कट जे यो सामो बिठो ये कच्ची अच्छो अच्छा जो हां अच्छा हां ये गा बिठो कच्ची थोड़ी खारी लगंदी खाण मंजे ने कच्ची दाणो कोन तो मारे लंदो सफा जीरो बस ये खबर बेओ खैरा।